नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज अबाउट मेडिसिंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेंड्रम प्लस क्रीम की पूरी सच्चाई लेकर आया हूँ कि दोस्तों जो जो पेंड्रम प्लस क्रीम है वो तीन तरह के वेरिएंट्स में आती है, एक पेंड्रम प्लस, एक पेंड्रम प्लस प्लस और एक पेंड्रम NM। दोस्तों आजकल क्या चल रहा है, कुछ दुकानदार जो है वो पेंड्रम प्लस के नाम पर आपको पेंड्रम NM या फिर दोस्तों पेंड्रम प्लस प्लस दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा आज कि आपको कौन सी क्रीम उपयोग करनी चाहिए, क्या पेंड्रम प्लस प्लस आपके फेस के लिए सही रहेगी, कुछ लोग इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं दोस्तों पेंड्रम प्लस क्रीम की। दोस्तों सबसे पहले जो आई थी क्रीम वो पेंड्रम प्लस आई थी, सबसे पहले पेंड्रम प्लस क्रीम ही मार्केट में आई थी। इसका जो सोल्ट था ऑफ्लोक्सासिन, ओनिडाजोल और टर्बिनाफाइन एंड क्लोबिटासोल। दोस्तों ये सोल्ट जो आजकल बैन हो गया हुआ है, गवर्नमेंट ने इस सोल्ट पे बैन लगा दिया गया है, इसलिए इसकी जगह पे पेंड्रम NM क्रीम जो है वो मार्केट में आई थी। लेकिन दोस्तों बाद में फिर गवर्नमेंट ने एक साल के लिए पेंड्रम प्लस को अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए अनुमति दे दी थी, इसलिए पेंड्रम प्लस क्रीम फिर से मार्केट में आई थी। लेकिन दोस्तों अब फिर से जब है उसका स्टॉक ख़त्म होने के कारण पेंड्रम प्लस क्रीम जो है वो मार्केट में आना बंद हो गई है, इसलिए दोस्तों उन्होंने अपनी क्रीम का नाम बदल कर पेंड्रम प्लस प्लस कर दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका नुकसान तो कोई नहीं होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अपने फेस पे पेंड्रम NM क्रीम अप्लाई की हुई है उनको तो पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पेंड्रम NM और पेंड्रम प्लस प्लस बिल्कुल ही सेम चीज़ है, उनका सोल्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है पेंड्रम प्लस क्रीम जिन लोगों ने अपने फेस पे अप्लाई किया उनकी, क्योंकि दोस्तों ये पेंड्रम प्लस क्रीम जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एंटी एलर्जी के लिए ये क्रीम बिल्कुल ही बेस्ट है। लेकिन दोस्तों बात आती है फेस पे अप्लाई करने की, तो दोस्तों फेस पे आप इसको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों पेंड्रम प्लस क्रीम को अपने फेस पे लगाने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब आप इसको छोड़ने की बात करते हैं तो दोस्तों आपका फेस लाल होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ही पतली हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह से अपने फेस पे बिल्कुल भी मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सॉल्ट है वो स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड सॉल्ट जो है वो आपको अपने फेस पे डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इसकी पूरी जानकारी हो गई होगी। तो अगली वीडियो लेकर जल्दी ही वापस आऊँगा। जय हिंद।